आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अनार से बना हुआ फेस मास्क, जिसकी हेल्प से आप अपनी सारी स्किन प्रॉब्लम सही कर सकते हैं, जैसे कि डार्क स्पॉट्स, पिंपल, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड। इससे आपकी त्वचा में ग्लो भी आएगा और स्किन व्हाइट भी होगी। तो चलिए इस रेमेडी को देख लेते हैं। जैसे अनार खाने से हमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, वैसे ही अनार स्किन पर लगाने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। साथ ही साथ में फेस पर ग्लो भी आता है और हमारी स्किन व्हाइट भी होती है। अनार स्किन के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई स्किन भी सही हो जाती है। अनार में ओमेगा 5 फैटी एसिड होता है, जो स्किन को हाइड्रेट करता है। अनार का फेस मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए अनार के कुछ दाने, और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमने अनार के कुछ दाने ग्राइंड कर लिए हैं। इस फेस मास्क को बनाने के लिए हम इस मिक्सर का यूज करेंगे। अब इस मिक्सर में ऐड करेंगे योगर्ट यानी कि दही। दही स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, दही उसे आराम दिलाता है। अब इसमें एक चम्मच हम डालेंगे शहद यानी कि हनी। शहद आप किसी भी कंपनी का यूज कर लीजिए, शहद ताजा होना चाहिए। शहद ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो अब इस पेस्ट को हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके फेस पर और आपकी पूरी बॉडी पर ग्लो आएगा। इस फेस मास्क को लगाने के लिए आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए। उंगलियों से धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आप मसाज कीजिए। 10 मिनट तक मसाज करते रहें और बाद में इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो आप नॉर्मल वाटर के साथ अपने फेस को या फिर अपनी पूरी बॉडी को वॉश कर लीजिए। पहली ही बार में आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। ये एक इफेक्टिव रेमेडी है, स्किन पर ग्लो भी आएगा और स्किन स्पॉटलेस भी होगी। आप मेरी इस रेमेडी को जरूर अप्लाई कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस रेमेडी को व्हाट्सएप और फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हमारी इस रेमेडी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।